हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवनिंग शिफ्ट 25 सितंबर का जो इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है वो कैसा हुआ है, और उसके बेसिस पे अब आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे फोकस करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं लेट इवनिंग में आपको वीडियो दूंगी एनालिसिस करके, ताकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाएँ, टॉपिक्स मिल जाएँ अच्छे से, और अभी यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि पेपर आया कैसा था। देखिए अगेन, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए पेपर टफ होगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है, सारे यूनिट्स अच्छे से गो थ्रू किए हैं, जो हमारा क्रैश कोर्स था रिवीजन का उसको ही आपने अच्छे से अगर पढ़ लिया है, तो ईजिली आपको पेपर क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा ईजी टू मॉडरेट। बहुत अगर आपने कम टाइम दिया है तो आपको मॉडरेट लगेगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है सब, स्टार्टिंग से आप पढ़ रहे हो तो आपको पेपर काफ़ी ईजी लगेगा। क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं, अब अगर हम पैटर्न देखते हैं इंटरनेट का, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और उसकी वजह से क्या है, वही बच्चे उसको सॉल्व कर पाते हैं जिनको डीप नॉलेज हो, जिन्होंने उस चीज़ को समझ के पढ़ा हो, ना कि याद करके पढ़ा हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा था, तो अब बात कर लेते हैं एक एक सेक्शन वाइज कि कौन कौन से यूनिट में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, और अब आने वाले समय में किस तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वन, जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके बारे में। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मिस कर दी थी, वो मैं बता देती हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का इससे पहले, आईओटी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। आपने अगर देखा होगा जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आईसीटी के, तो उसमें आपको इजीली याद होगा कि आईओटी का मतलब क्या होता है, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अलावा मैंने और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कराए हैं जिनके बारे में हम करेंट में बात कर रहे हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अभी न्यू टॉपिक्स हम इनको मान सकते हैं, या फिर हम मॉडर्न पार्ट मान सकते हैं आईसीटी का। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डेटा माइनिंग हो गया, डेटा वेयरहाउस हो गया, आईओटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आने वाले समय में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हर शिफ्ट में हम ये देख रहे हैं कि एब्रीवेशंस बहुत आ रहे हैं और बिट्स एंड बाइट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता होगा बिट्स एंड बाइट्स का जो पीडीएफ है वो मैंने फ्री में आपको प्रोवाइड कराया हुआ है डिजिटल स्टोर पे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर बिट्स एंड बाइट्स का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरी बात है एब्रीवेशन की, एब्रीवेशन या फिर हम इसको बोले कि शॉर्ट फॉर्म्स जो आते हैं, जिसको आपको फुल फॉर्म बताना होता है, वो भी मैंने अवेलेबल कराया हुआ है, बहुत सारे अराउंड 300+ आपके वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, और जितने भी आपके शॉर्ट फॉर्म पूछे जा रहे हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही उसकी माइन्यूट कॉस्ट है, वो आप उसको पढ़ के उसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का उसमें से आपका आ ही रहा है, हर शिफ्ट में हमने ये चीज़ देखी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलिए बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ, तो असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बने थे। जो क्वेश्चंस बने थे आपके, वो टीचिंग के बेसिक टॉपिक से था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि बहुत एडवांस टॉपिक यहाँ पर पूछा गया है, बेसिक टॉपिक्स थे, बट उसमें किस तरीके से क्वेश्चन थे, उसमें डीप वाले क्वेश्चन थे, कि आपने अगर उसको अप्लाई किया होगा, अप्लीकेशन बेस्ड था, अगर आपने उसको अप्लाई करके आप सोचेंगे उसके बारे में तो आप आंसर कर पाएंगे। तो वहाँ पे सारे अब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो अप्लीकेशन बेस्ड बन रहे हैं। आपको करना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, एक बार टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्रैश कोर्स है वो पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ये सोचिए कि अगर आप टीचर होंगे तो आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, या किस तरीके से आपको रिएक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया क्वालिटी ऑफ टीचर पे, तो क्वालिटी ऑफ टीचर की अगर हम बात करें तो खुद को सोचिए कि आप टीचर हैं और आपके के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। करेक्टरिस्टिक्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है आगे चल के लर्नर्स करेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आए, तो इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। अब अभी मुझे याद आया कि कौन से टॉपिक, जो मैं टॉपिक आपको बताती हूँ ना उनको बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि अभी मॉर्निंग में मैंने आपको बोला था कि क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, और इवनिंग शिफ्ट में अगेन आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से, और जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया उतना पढ़ लेंगे उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि 2019 के दिसंबर का जो पेपर है वो ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। मतलब समहाउ अगर हम देखें रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें या टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, तो क्वेश्चन जो है आपके जो पहले आप इन्होंने कवर किया था उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा
टफ क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं या अलग तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, अगर डिसेंबर में आपने एग्जाम दिया हुआ था या फिर आपने पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये वाला एग्जाम। जो पेड कोर्स के बच्चे हैं उनको मैंने 2019 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वे में। जो पेड कोर्स के नहीं भी हैं, जो फ्री कोर्स के, उनके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में, तो वहाँ से जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। पेड वाले जो हैं वो अपना जो 2019 का पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या आ रहा है, मैं सुबह से यही बोल रही हूं कि रिसर्च टाइप्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च टाइप्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। दो तरीके के रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी रिसर्च क्यों वो रिसर्च बोली जाती है, इस पर आपको फोकस करना है स्पेशली। एंड उसके अलावा एरर्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप वन टाइप टू एरर पे फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़कर जाइए। बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाइए, को पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा स्केल्स, ऑर्डिनल कार्डिनल जितनी भी स्केल है, नॉमिनल, ये सारी स्केल्स अच्छे से पढ़ लीजिए, ये भी आपके कवर होंगे, आ रहे भी हैं क्वेश्चन और आएंगे भी, ठीक है। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। थीसिस पे आ रहा है, एथिक्स पे आ रहे क्वेश्चन, रिसर्च एथिक्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी मैंने कवर किया है। जो आपके टाइप वन टाइप टू एरर हैं, स्केल्स हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये सारा कुछ मैंने जो पेड कोर्स है उसमें कवर किया है। तो पेड कोर्स वाले स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ से अपनी नोट्स रिफर कर सकते हैं और उसके साथ साथ वीडियोज़ को देख सकते हैं। जो फ्री कोर्स वाले हैं वो रिसर्च टाइप उनको मिल जाएगा, उसके अलावा उनको थीसिस मिल जाएगी टॉपिक चैनल पे, और उसके अलावा उनको टाइप्स ऑफ रिसर्च मिल जाएगा, थीसिस मिल जाएगी एंड उसके अलावा रिसर्च एथिक्स मिल जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो वो आप अच्छे से वहाँ से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो आया था टॉपिक वो भी काफ़ी ईजी था। ईजी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखिए किस तरीके से फ्रेम हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, व्हेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटेड। तो अगर कोई बच्चा अच्छे से कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा है तो उसको पता है कि कम्युनिकेशन कम्प्लीट तभी माना जाता है जब उसमें फीडबैक हो। तो ईजिली आंसर आइडेंटिफाई हो रहा है कि फीडबैक है। हो सकता है ये क्वेश्चन किसी को बहुत ज़्यादा टफ लगे, हो सकता है उसको ना समझ में आए, और उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने डीप में कभी पढ़ा नहीं है। अगर आप डीप में पढ़ते हो और टीचर जो पढ़ाता है आपको एक एक बात अगर आप अच्छे से समझते हो, उसको समझ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पेपर ईजिली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए रटने की कोशिश मत कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ओके। मैंने आपको बता दिया क्लासरूम कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया था, और मैंने अभी मॉर्निंग में बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक आपका आएगा और ये टॉपिक आपका आया। उसके बाद सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस पे आपका ये कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, ये भी मैंने पेड कोर्स में कवर कराया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एंड असर्शन एंड रीजनिंग पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे जो आपके कम्युनिकेशन वाले बने थे। डीआई की अब हम बात कर लेते हैं, डीआई किस तरीके की आई थी। डीआई देखिए डे वन से हम देख रहे हैं डीआई ईजी आ रही है, रेशियो पे आ रही है, एवरेज पे आ रही है, परसेंटेज पे आ रही है। तो जो ईजी कैलकुलेशन वाली डीआई होती है ना, अभी सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो फिर आप इजीली किसी भी तरीके की टफ आती है तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, मॉडरेट आती है तब भी आप सॉल्व कर लेंगे। बट अगर मान लीजिए कि किसी की मैथ्स वीक है तो उसको मैं बस यही बोलूँगी कि इस वक्त बस इतना करो कि रेशियो पढ़ लो, एवरेज पढ़ लो एंड परसेंटेज पढ़ लो डीआई के लिए, और जितने ईजी कैलकुलेशन वाली डीआई हैं वो सारे सॉल्व कर लो। किसी भी बुक को आप रिफ़र कर सकते हैं, जो पेड कोर्स वाले हैं वो जो डीआई के क्वेश्चंस पर जितने कराए हैं उतना कर लो, उतना कंप्लीट होगा, उतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप पेड कोर्स के नहीं स्टूडेंट हैं तो भी आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, वहाँ पर जो बेसिक कैलकुलेशन जो एग्जाम्पल्स में सॉल्व कराए जाते हैं उन एग्जाम्पल्स को बस एक बार अच्छे से कर लीजिए, उतने में आपको डीआई आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा, 5 के 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं पैसेज की। पैसेज कैसा आ रहा है और पैसेज के लिए क्या करें। कुछ लोगों को पैसेज बहुत लेंदी लग रहा है, कुछ लोगों को पैसेज सॉल्व करना बहुत टफ लग रहा है, कुछ लोगों को बहुत इजी लग रहा है। रीज़न क्या है, इजी क्यों लग रहा है और टफ क्यों लग रहा है। इजी उनको लग रहा है जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, या जिनकी आदत है पैसेज को देख के पढ़ने की, या फिर कोई लॉन्ग, जैसे मान लीजिए हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते हो न्यूज़पेपर के, तो उनके लिए पैसेज ईजी होगा। और टफ किन के लिए हो और किस तरीके से आप इसको ईजी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पैसेज बहुत टफ है तो एक काम करिए, मैंने प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है वो भी सबके लिए अवेलेबल है डिजिटल स्टोर पे, बहुत ही कम प्राइस है उसकी। 5 जो पैसेज के सेट हैं वो उसमें दिए हुए हैं, वो 5 पैसेज का सेट आप सॉल्व कर लीजिए और टाइमिंग के साथ सॉल्व कीजिए। और उसके साथ साथ मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड किया है फ्री में जो हमारे चैनल पे है, उसमें लिखा है कि किस तरीके से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे ट्रिक्स भी बताई हैं कि किस तरीके से, कितने देर में, किस तरीके से आप उसको बेटर कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो एक बार
पैसेज के 5 पैसेज सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, और प्लस थोड़ा सा अपना टाइम दे दीजिए। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो पैसेज में इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर किया जा सकता है। पैसेज कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। इस बार का जो पैसेज था वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शनैलिटी, इस पर आपका बेस्ड था ये पैसेज। तो अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि किसी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको गेनिंग हैंड हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, हो सकता है जो ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कभी टॉपिक पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट से रिलेटेड, उनके लिए ईजी हो। बट अगर हम बात करें तो आपको फोकस क्या करना चाहिए कि अगर आप 5 क्वेश्चंस हैं आरसी के पैसेज के, तो एटलीस्ट 3 तो आपको करेक्ट करने ही करने हैं, चाहे पैसेज किसी भी चीज़ पे आया हो, पैसेज चाहे कितना भी टफ हो। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि आपको 3 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं पैसेज के, उससे कम में काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की। मैथमेटिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या आया था, मैथमेटिकल रीजनिंग भी मॉडरेट आ रही है, इजी टू मॉडरेट आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका रेशियो आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, कोडिंग आ रही है, और एक चीज़ और डे वन से ये देखा जा रहा है, नंबर सीरीज ज़रूर आ रही है, कोडिंग डिकोडिंग ज़रूर आ रही है। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से करके जाइए, एक एक नंबर यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। और जो नंबर सीरीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, बहुत ही बेसिक नंबर सीरीज़ आ रही है, ऐसा नहीं है कि आपको कई बार मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न वाली सीरीज़ दे जाए, नॉर्मल सीरीज़ है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आप कोशिश कीजिए कि कुछ नंबर सीरीज़ सॉल्व कर लीजिए, उससे आपका नंबर सीरीज़ अच्छे से निकल जाएगा। डिस्काउंट थोड़ा पढ़ लीजिए, और उसके अलावा इंटरेस्ट हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सब टॉपिक को पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक्स में बच जाइएगा। अपना जो लेवल रखिए वो मॉडरेट रखिए, आप इजीली पेपर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट में चलेंगे, रिवीजन कर लेंगे अच्छे से तो पेपर आपका इजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर टफ में फंस गए तो पता चला आप बहुत ज़्यादा टफ पढ़ के जा रहे हैं और पेपर इजी आ गया, और बाद में बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम मैंने इतना ज़्यादा पढ़ लिया था और अभी पेपर इतना ईजी आया कि मुझे ईजी वाली चीज़ें भूल गई, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, अपना जो प्रिपरेशन का लेवल है, जो रिवीजन का लेवल है वो मॉडरेट रखिए। आपका प्रिपरेशन का लेवल हमेशा टफ होना चाहिए, बट आपका रिवीजन का जो लेवल है पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर पेपर टफ आ रहा है तो आपको टफ बहुत अच्छे से बहुत ही हार्ड प्रिपरेशन करनी है, अगर आपका पेपर मॉडरेट आ रहा है तो मॉडरेट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो आगे हम बात करेंगे ICT के बारे में। ICT में क्या आ रहा है, ICT में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए मैंने अभी आपको बोला कि फुल फॉर्म आ रहा है ICT में, जो आपको डिजिटल स्टोर पे मिल जाएगा 300, उसमें फुल फॉर्म कवर किए गए हैं, मोर देन 300 है, उतना पढ़ लीजिए सफिशिएंट है। अगर आप नहीं पे करके पढ़ना चाहते हैं तो कोई कंप्यूटर की बुक उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है एब्रीवेशंस की, मैंने बता दिया फुल फॉर्म की। इसके अलावा बिट्स एंड बाइट्स मैंने फ्री में दिया है, वो तो मैं सबको बोलूँगी कि एटलीस्ट कुछ भी नहीं करना है, जाना है वहाँ पे ईमेल आईडी बनानी है और बिट्स एंड बाइट्स आपको मिल जाएगा इजीली, तो वो आपको मिल जाएगा डिजिटल स्टोर पे। डिजिटल स्टोर का एड्रेस कहाँ है नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको डिजिटल स्टोर का एड्रेस दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जाकर बिट्स एंड बाइट्स का फ्री में PDF ले लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपका क्या आ रहा है ICT में, तो ICT में कुछ मॉर्निंग में देखा गया था कि कुछ मॉर्निंग क्या कल शायद ऐसा हुआ था कि कुछ करंट अफेयर्स से पूछा गया था। तो देखिए एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते ही होते हैं जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। पेपर में हमेशा ये होता है कि 10% इंसान एरर लेके चलते हैं कि 10% तो हमारा गड़बड़ होने ही वाला है और 10% में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो उनको लेकर आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है। आपको करना क्या है, जितना मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ उतना करंट अफेयर्स पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, और उससे आपका काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, हो सकता है उसमें से आपके क्वेश्चंस फंस जाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं LR की, LR में क्या पढ़ना है। LR में आपको इंडियन लॉजिक पढ़ना है अच्छे से, ठीक है, डीप में पढ़िए इंडियन लॉजिक को, प्रमाण, और सिर्फ यही नहीं, इंडियन लॉजिक में आपको जहाँ जहाँ कंटेंट मिल पा रहा है वहाँ वहाँ पढ़ लीजिए। हाँ, लास्ट टाइम पे ऐसा मत कीजिएगा कि कल एग्जाम है और आज आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंडियन लॉजिक थोड़ा सा ट्रिकी है ये पार्ट, और उसमें कोशिश कीजिए कि अगर आपका एक मंथ बाद है तब तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग से इंडियन लॉजिक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कल अगर आपका पेपर है तो क्या कीजिए, या दो दिन बाद आपका पेपर है अगर, तो आप वही पढ़िए जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, बट उसको अच्छे से स्ट्रांगली उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आपका इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में सोलॉक्स के क्वेश्चन आए हुए थे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मॉर्निंग में आया हुआ था, एंड फेलेसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों को, फेलेसी से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं पीपल एंड वोमेन में। पीपल एंड वोमेन के अगर डे वन की बात करें और डे टू की, तो दोनों में ही आपका MDGs SDGs आ रहा है। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रट डालिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन आना कंफर्म है। एक टॉपिक और जो है वो है पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं,
गैसेस के बारे में पूछा जा रहा है, पोल्यूटेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कंट्री कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे हैं। तो पोल्यूशन पर भी कोशिश कीजिए कि आप पढ़ लीजिए। आगे किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि हो सकता है आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ये टॉपिक पर आपका क्वेश्चन फ्रेम हो, क्योंकि जो इनका ट्रेंड है, जिस तरीके से क्वेश्चन बना रहे हैं उस हिसाब से ये पहुंचेंगे ग्लोबल वार्मिंग पे ही, ये मेरा ओपिनियन है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर कहीं कोई आर्टिकल मिल जाए या कहीं कोई बेसिक जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, उसको उतना पढ़ लीजिए, उससे हो सकता है कहीं ना कहीं आपका आगे भी क्वेश्चन फंस जाए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा, लेकिन आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग से या क्लाइमेट चेंज से। ओके, लास्ट आपका बचता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या आ रहा है, शोध गंगा, स्वयं, इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आपका डिजिटल इनिशिएटिव, इनसे थोड़ा इनका थोड़ा पढ़ के जाएगा। डिजिटल इनिशिएटिव में जो भी आपका दीक्षा और जितने भी आपके इनिशिएटिव है, आचार्य हो गया और आपका जो भी जितने विद्वान हो गया, जितना भी मैंने आपको कराया है, बादल वादल सब कुछ, सब अच्छे से पढ़ लीजिए। मतलब डिजिटल इनिशिएटिव में मैंने जितना भी करवाया उसके साथ साथ क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल पे, क्लियर योर कॉन्सेप्ट देखेंगे आप जब प्लेलिस्ट में जाकर पूरी, तो क्लियर योर कॉन्सेप्ट सीरीज़ करके आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं लिंक दे दूंगी। उनमें जितने भी मैंने करवाए हुए हैं उतना सारा पढ़ लीजिए, और प्लस डिजिटल इनिशिएटिव अच्छे से पढ़ के जाइए, वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आपका। अब हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे भी असर्शन एंड रीजनिंग करके उस क्वेश्चन को बनाया हुआ था, फ्रेम किया हुआ था, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया है। और क्या पढ़ सकते हैं आप, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को अच्छे से पढ़ लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, और भी सोर्सेज में अगर आपको मिलता है तो वहाँ से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अगेन मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ आपको कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो अच्छे से देख लीजिए एक बार, और उसमें से जिस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए हुए थे या जो टॉपिक्स को इन्होंने कवर किया था पिछली बार, वही वही टॉपिक वो इस बार भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक ले आए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ऐसा नहीं है, वही सारे टॉपिक्स हैं। लास्ट ईयर का पेपर जो है 2019 वाला, उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और आपका प्लस जो जो टॉपिक, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो जो रिसोर्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। जितना क्रैश कोर्स में मैंने आपको कराया है वो एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 15 डेज का है जो क्रैश कोर्स है, उसको आप बैठेंगे तो आप सुबह से लेकर इवनिंग तक आराम से निपटा देंगे, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन ही रहा है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो ये था आपका एनालिसिस, काफ़ी डीप में मैंने एनालिसिस किया, काफ़ी आपको गाइड किया, आई होप ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में कर दीजिए, और अदरवाइज कोई रिसोर्स नहीं मिलता है, डिजिटल स्टोर का लिंक नहीं मिलता है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।